chief guest needs no introduction. Shri Anand Kumar ji is an Indian mathematician educator, best known for a Super 30 program. We are privileged to have with us Professor Dr. Sunita Singh Sen Gupta ma'am, who has been the ex-dean and a senior most faculty professor in FMS University of Delhi. We are privileged to have with us Mr. Obaidur Rahman, Chairman Rahman 30, joined with our Assistant Professor in Kab Alam, MUZ College from Patna. We are privileged to have with us Mr. Ashish Kumar and obviously Satyendra Kumar, Director, Tara Institute. And the event will also be graced with Dr. Markande Ahuja, Vice Chancellor, Gurugram University. Welcome to one and all. Welcome to esteemed dignitaries. We all know that education is the most powerful weapon we are using to change the world. And a good pen also reminds us of the happiest moment in our lives, bring noble ideas into our dens, our blood and our souls. It always turns a tragedy into hope and the victory. Such is the essence of the education and such is the essence of our today's leaders, the chief guest and the guest of honor. I now invite Ashish Agarwal ji to kindly brief our esteemed dignitaries about the journey of Tara Institute. Good morning, everyone. Myself, Ashish Agarwal, founder of Franchisee Batao. दोस्तों तारा इंस्टीट्यूट अगर हम बोले तो तारा इंस्टीट्यूट सफलता का एक पर्यायवाची शब्द है। मैं शुरुआत करूंगा आज के जो कंडीशन से उनसे। सबसे पहले जो इनका लोगो है, नौकरी नहीं सरकारी नौकरी। आज के दिन अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी हो, किसी को कैरियर गाइडेंस चाहिए हो, किसी को प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जानना हो, तो एक ही नाम हमारे जहन में आता है, वो है तारा इंस्टीट्यूट। तारा इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। तारा इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर हैं मिस्टर सत्येंद्र कुमार जी, इन्होंने तारा इंस्टीट्यूट की स्थापना 29 मार्च 2007 को एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बदलाव लाने के सपने के साथ की थी और बहुत हद तक ये सफल रहे हैं। 12 राज्यों में 63 से अधिक ब्रांचेज इनकी रही हैं। और जो आज की कंडीशन से जिसकी मैं बात कर रहा था, कोरोना के समय में जहां पर पूरे विश्व को हिला दिया गया, एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बहुत उथल पुथल रहा, ऐसे समय में भी तारा इंस्टीट्यूट आगे बढ़कर आया। इन्होंने समझा कि क्या प्रॉब्लम्स है मार्केट में, किस तरीके से बच्चे आज के दिन परेशान हो रहे हैं, और इंडिया में पहली बार टू वे इंटरेक्शन लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं। लाइव क्लासेस में ये आपको 100% फील ऑफलाइन क्लासेस का देंगे, जैसे कि आप आमने सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। और दोस्तों अगर हम ऐसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोगों को लगता होगा ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल हो सकती है, लेकिन नहीं, तारा इंस्टीट्यूट ने इसको ब्लॉक लेवल पर भी सक्सेस करके दिखाया है। हर एक गांव के छोटे छोटे ब्लॉक लेवल पर भी अब बच्चे कोई भी कोर्सेज की प्रिपरेशन कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों अगर कोई एसएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, कोई बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, कोई एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, नेवी, लो एंट्रेंस की, सीलेट की, डीयू के, एलएलबी की करना चाहता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करना चाहता है, किसी भी कोर्स की अगर तैयारी करना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो तारा इंस्टीट्यूट से इस तरीके से जुड़ सकता है जैसे कि वो किसी क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा हो, जबकि वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस में पढ़ाई कर रहा होगा। तो तारा इंस्टीट्यूट ने ये सफल करके दिखाया है और इसके लिए इन्होंने अपना एक नया वेंचर शुरू किया है, N36 कोचिंग क्लासेस प्राइवेट। अगर हम N36 की बात करें तो इसका पूरा मतलब है नेशन 36। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कुल राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर 36 राज्य हैं, और तारा इंस्टीट्यूट के स्थापक चंद्र कुमार जी ने सपना देखा है कि 36 के 36 राज्यों में हर एक ब्लॉक लेवल पर जो भी बच्चा कोई भी कोर्सेज में आगे बढ़ना चाहता हो उनकी पूरी हेल्प की जाए। इसीलिए इन्होंने N36 कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की है, जिसकी की लाइव क्लासेस 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएंगे और बच्चे अपने ब्लॉक लेवल पर भी अपने सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन कर पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने पेरेंट्स को सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो यही है तारा इंस्टीट्यूट। अगर जीवन में सफलता पाना चाहता है, अगर किसी के मन में ये जुनून है कि उसे कुछ करके दिखाना है, तो तारा इंस्टीट्यूट में उसका स्वागत है। इसी प्रेरणा के साथ, इसी ध्येय के साथ तारा इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है।
और मैं आशा करता हूं कि तारा इंस्टीट्यूट की जो जर्नी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। ये जो शुरुआत होने जा रही है 1 दिसंबर 2020 से, भारत का हर एक बच्चा इससे जुड़ेगा और हम सभी लोग साथ में हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर एक कोर्सेज की तैयारी करवा रहा है, तो आप सभी लोग इसमें साथ दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आशीष जी। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव विद अस अ लीडर। कहा जाता है अ लीडरशिप इज अ पोजिशन, अ लीडर इज अ कमिटमेंट, अ लीडर इज अ स्पेशल कैलिबर एंड एन इंटीग्रिटी। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल विद नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज। द ट्रेडिशनल लीडर आर द वंस हु हैव लेड द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, दोज फ्रॉम द डेज ऑफ 17th सेंचुरी एंटिल प्रेजेंट। बट विद द टाइम्स विच हैव चेंज्ड एंड एजुकेशन हैव बिकम अ वेरी पावरफुल वेपन इन द स्ट्रगल टू प्रोड्यूस अ वेल डेवलप्ड पर्सन। So such is the leadership of Professor Sunita Singh Sen Gupta ji, who is our esteemed honorable leader and our chairperson of ISOL, Integrating Spirituality, Organization and Leadership Foundation. May I kindly request our esteemed madam, the guest of honor for today's event, Professor Sunita Singh Sen Gupta ji, to shower her words of blessings and wisdom in today's ceremony. Thank you very much, Dr. Siddharth. At the outset, I would like to congratulate Tara Institute for their wonderful initiative. मैं बिहार से हूँ और मैं आनंद जी का पिक्चर पोस्टर में देखकर बहुत ही खुश हुई। सुपर 30 वो अपने आप में एक अनोखा मॉडल है और तारा इंस्टीट्यूट भी अपने आप में एक अनोखा मॉडल लेकर काम कर रही है। इस पैंडेमिक के दौरान द नोबल कॉज दैट तारा इंस्टीट्यूट हैव टेकन टू कनेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज, स्टूडेंट्स दोज हु कैनॉट कम टू बिग सिटीज एंड टेक द कोचिंग, इट्स अ नोबल कॉज एंड आई एम श्योर विद दिस नोबल इंटेंशन इन द माइंड Tara Institute will bring a major transformation in the world of coaching, in the world of preparing the students for government job, and also catering the needs of the government to produce skill-oriented employees, and that will be a true contribution to nation building. So, meri hardik shubhkamnaye, main bahut khush hui. तारा इंस्टीट्यूट इतना सुंदर काम कर रहा है, इतना नोबल काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश के ग्रोथ में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर ब्लेसिंग्स, वर्ड्स ऑफ विजडम एंड स्पेशली ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ छठ महापर्व। जी थैंक यू सो मच। The world is operating at a time when we are searching for a better life without any imprisonment of any dogma. The world which remains beset by so much of suffering, poverty, deprivation, it is in our hands to make our world a better one for all, especially for the poor, the vulnerable and the marginalized. Such is the vision of our guest of honor, Intikab Alam Sahab. I kindly request Intikab Alam Ji for his words of wisdom on the launch of digital launch of Tara Institute. Namaskaram sabhi ko, mera namaskar aur chhat ke pavan avsar par sabhi ko badhai. Aaj Tara Institute ke director hamare chote bhai Satendar Kumar ji ki ek shuruaat ek dusre direction mein ho rahi hai. Sachchai hai ki Tara नाम ही कुछ ऐसा है जिसको हम बचपन से मेरा रिश्ता रहा है। हर वो मां जब बच्चा रोता है तो चांद और तारा को दिखाने के लिए छतों पर ले आती है कि वो तारा देखो, वो छोटा देखो, वो बड़ा तारा देखो, वो निकल रहा है। और वो तारा का जो संबंध है वो बचपन लाइक बचपन है, चाइल्डहुड से आता है।
हमको हमको सतेंद्र जी से मेरी मुलाकात है, समझते हैं कि जब वो साइकिल पर यात्रा कर रहे थे और साइकिल पर चल के तारा को बनाने में, जमीन से आसमान तक की दूरी तय करने में लगे थे, तब से उनका डेडिकेशन, मन में एक उनके पीड़ा थी कि देशवासी की सेवा कैसे की जाए, उन गरीब लोगों की, मजदूरों की, जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिखते हैं उनको नौकरी कैसे दिया जाए, उनको मुहैया कैसे कराया जाए, उनके थाली में रोटी कैसे इंतजाम किया जाए। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। सेन गुप्ता जी, मैं आपसे इन बातों का जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि सतेंद्र में उस क्षमता कूट कूट के भरी रही कि 2007 के पहले से ही मैं उनको जानता रहा और वो साइकिल पे चढ़ के कोचिंग करते थे और पढ़ाते लिखाते थे और एक बिहार के गया से निकल के वो सुधीर गांव से निकल के दिल्ली के चकाचौंध में वो नहीं खो जाना, लेकिन वो दिल्ली जाकर के भी अपनी पहचान को एक बना के रखना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है कि आज इस कोरोना काल में जो नौकरियां छिन रही हैं, लगातार लोगों से छीना जा रहा है, फैक्ट्री बंद हो रही है, ऐसे क्रम में इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस में, एनडीए में उस तरह से जो बहाली करवाई है और जो तैयारी करवाते हैं, ये हमको तो बड़ा फैन है इनके, इनकी बड़ी कम उम्र है लेकिन निश्चित तौर पर इन्होंने हिंदुस्तान में योगदान देने का काम किया है, लोगों को एक रोशनी पहुंचाने का काम किया है, लोगों के घर में दिया जलाने का काम किया है। आज सतेंद्र जी के इन कामों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामना है, लेकिन हम उसके साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि आज आनंद जी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं और जबकि पटना के अखबारों में, दैनिक भास्कर में रोज एक रिपोर्ट आनंद जी की मैं देखता हूं, उनकी फोटो को देखता हूं, सबसे पहले मैं उनके जो व्यूज है उसको मैं देखता हूं और रेगुलर एक कॉलम है एक एडिटर्स वाला, वो समझते हैं कि उसको मैं रेगुलर देखता हूं। आज वो आदमी जो एक अपनी पहचान पूरे देश में और विदेश में बनाने का काम किया है, मैं इसी जूम मीटिंग से उनको भी बधाई देना चाहते हैं, उनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने समाज के लोगों को, जो मेघावी छात्र छात्राएं हैं, उनको बाहर निकाल के एक दिशा देने का काम किया जो एक नेशनल के लिए रहा। और वैसे वैसे हालात में जब आज सतेंद्र जी तारा इंस्टीट्यूट को फ्रेंचाइजी दे दे करके विभिन्न राज्यों में, बल्कि यहाँ कहा जाए कि कई देशों में उन्होंने अपने ब्रांच को स्थापित किया, आज वो चीज जो 2007 से चल रही है वो अपने आप में एक चीज मिसाल बन गई है कि एजुकेशन हब में जिस तरह से लोग पैसा कमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, केवल हम नहीं समझते हैं कि सतेंद्र कुमार जी पैसे कमाने की कम उसकी मंशा ज्यादा रही है। सतेंद्र कुमार जी की मंशा अगर पैसे कमाने की होती तो हम नहीं समझते कि उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे जो आज भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है और उसको पढ़ा देते हैं, और जब नौकरी, मैं तो ये भी जानता हूं कि कई ऐसे छात्र जो अपने बच्चे को लेके गार्जियन पहुंचा और मैं मौजूद था, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप इनको पढ़ा देंगे तो शायद इनकी नौकरी हो जाएगी। वैसे ही परिवार आज भी इनसे जुड़ा है कि उनको फ्री में पढ़ाया और फ्री में पढ़ाने के बाद उस बच्चे की नौकरी लगी, वो नौकरी से जो पैसे आए सतेंद्र जी को देने का काम किया उन्होंने, सतेंद्र जी उस पैसे को नहीं लिया, बोला कि नहीं मुझे इस ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है और इस मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी मंशा ही है कि समाज से लोगों को निकाल करके एक अमली जामा पहनाया जाए, जिसके लिए मैं कोटि कोटि से उन लोगों को धन्यवाद देते हैं और बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि तारा इंस्टीट्यूट को हमारे जैसे लोगों की जरूरत कहीं भी पड़ती है, हम निश्चित तौर पर अपने छोटे भाई के लिए, तारा इंस्टीट्यूट के लिए और हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर आलम साहब फॉर योर काइंड वर्ड्स, विशेस एंड एन इंस्पिरेशन ऑन द सेरेमनी टुडे। आवर चीफ गेस्ट नीड्स
नो इंट्रोडक्शन. श्री आनंद कुमार जी इज एन इंडियन मैथमेटिशियन एजुकेटर बेस्ट नोन फॉर अ सुपर 30 प्रोग्राम विच ही स्टार्टेड इन पटना स्टेट ऑफ बिहार इन 2002 विच ऑल्सो कोचेस अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स फॉर IIT JEE the entrance examination for Indian Institute of Technology, and students have made it to the IITs and showcased his work also very recently. Mr. Kumar has also been spoken at MIT and Harvard about his program for the students from the underprivileged section of the Indian society. Mr. Kumar and his school have been the subject of several inspiration, and his life and work were also portrayed in 2019 film Super 30, where it was played by none other than superstar Hrithik Roshan. So it gives an immense pleasure and honor to have with us Shri Anand Kumar ji with us for his words of wisdom. बहुत बहुत धन्यवाद. और आज छठ पूजा की तमाम लोगों को शुभकामनाएं. और बहुत अच्छा मुहूर्त है कि इस मुहूर्त पर आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे आमंत्रित किया. इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार जी, हमारे माननीय सम्मानित गुरुजन इंतकलाब आलम जी, अहूजा जी और तमाम लोग जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे, सबको मेरा प्रणाम है. और बहुत अच्छा लगा विचार अभी काल आलम ने बोला. आलम साहब का ये कहना था कि सत्येंद्र जी जो काम कर रहे हैं सिर्फ पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि जन जन तक शिक्षा पहुंचे. और ये ऑनलाइन का जमाना है, इस ऑनलाइन के जमाने में वो इसका विस्तार चाह रहे हैं तारा इंस्टीट्यूट का, हर स्टेट में चाह रहे हैं. अभी सुन के बहुत खुशी हुई कि ब्लॉक लेवल पर भी चाह रहे हैं कि यहाँ हर जगह एक संस्था खुले. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब तक शिक्षा जन जन के लिए उपयोगी ना हो, उस शिक्षा का महत्व तो नहीं है. और शिक्षा पर सबका अधिकार है और होना चाहिए. तो मैं उम्मीद करूंगा कि तारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम करेंगे. हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज रहमान भाई हैं जो हमारे बड़े भाई जैसे हैं. और मैंने देखा कि सऊदी अरबिया में बहुत सारा बड़े बड़े कारोबार बिजनेस को छोड़कर वो एक दिन उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई हम जो कमा रहे हैं, जो इतना पैसा बना रहे हैं, अपनी शोहरत बना रहे हैं बाहर, उसकी उपयोगिता क्या है ये बताइए. तो हमने कहा कि भाई हम उसकी उपयोगिता तो बहुत हद तक नहीं बता सकते, बट इतना जरूर बताएंगे आपको कि हमारे रहमान भाई आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं. तब इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हम जरूर बड़ा करेंगे. और इन्होंने रहमान 30 की शुरुआत की. रहमान 30 के तहत इन्होंने हर साल 30 बच्चों को लिया जो जरूरतमंद है, हम लोगों ने पढ़ाया. और ये सिलसिला अभी चल रहा है. ये कोरोना वायरस के संकट में भी इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग देते रहे. मैं यहाँ कहना चाहता हूँ तारा इंस्टीट्यूट के सत्येंद्र बाबू से कि आप भी देखिए, ऑनलाइन एक बहुत सशक्त माध्यम है. इस माध्यम से हम लोग बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं. इसलिए अच्छा होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इसका प्रचार करें, विस्तार करें. हमारे साथ ब्रजेश चंद्रवंशी जी भी हैं. ब्रजेश भाई की भी एक खासियत है कि कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई चीज हो, उसको जन जन तक पहुंचाते हैं. ये तमाम लोग मिलजुल कर अगर हम लोग इस तारा इंस्टीट्यूट के मुहिम में शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा होगा. बस ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, एक्शन ज्यादा जरूरी है बोलने से. बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम में कभी मुझे भी लेक्चर देने का आप लोगों ने कहा या सौभाग्य दिया तो जरूर मैं फ्री में कोई ना कोई टॉपिक पर, मैथमेटिक्स पर, किसी भी तैयारी के लिए जरूर मैं बोलूंगा. और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप लोग सब लोग हम लोग मिलजुल कर एक ग्रुप बनाकर हम ये पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं. अभी आलम साहब ने बोला कि सत्येंद्र बाबू का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है. मेरा मानना है कि अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो पैसा कमाना भी कोई गलत बात नहीं. पैसा कमाइए और ईमानदारी से कमाइए और बच्चों को सही शिक्षा दीजिए. लेकिन जो बच्चे जरूरतमंद है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी शिक्षा पैसे के चलते रुक जा रही है, उनको पैसे के चलते उनकी पढ़ाई ना रुके, इसका जरूर ख्याल रखिए. इसलिए हम सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट यही कहेंगे कि हम लोग मिलजुल कर इस सिलसिला को, इस मुहिम को बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे. हमारी शुभकामनाएं हैं कि तारा इंस्टीट्यूट
बहुत ऊंचाई पर जाए। आज से करीब 20 साल पहले जब हमने सुपर 30 की शुरुआत की थी तो हम और हमारे भाई मिलके जब हम लोगों ने सोचा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पेशेंस के साथ हम लोग काम करते रहे, लोग जुड़ते गए, संस्था आगे बढ़ते गई और हम लोगों का उद्देश्य अच्छा था इसलिए कार्यक्रम चलता रहा और आज देख रहे हैं कि सुपर 30 ने किस ऊंचाई को हासिल किया है। ठीक उसी तरह से या उससे भी अधिक तारा इंस्टीट्यूट का भविष्य है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम लोग मिलकर तुरंत परिणाम की चिंता ना करें। पेशेंस इस तरह के कार्यक्रम में बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि भाई इसका ब्रांच खोल देंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के बच्चे इसमें आएंगे, पूरा देश एक होगा, लेकिन अगर आप एक साल का प्रोग्राम कोई बनाते तो हो सके उसमें 3-4 साल भी लगता है, कभी कभी 4 साल माइंड में लेके रखते हैं तो 10 साल भी लग सकता है। तो धैर्य बनाए रखने की जरूरत है और कहने का मतलब मेरा है कि हम लोग तमाम लोग यहाँ भी करीब 5-10 लोग उपस्थित है इस कार्यक्रम में, आप देख सकते हैं, हम जस्ट दिखाना चाहेंगे कि हमारे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है और देख सकते इधर भी कई लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई साहब भी है, तो सब मिलजुल कर हम लोग चाह रहे हैं, प्रमो की भी इच्छा थी, रहमान भाई की, सब हम लोग मिलजुल कर आपके साथ हैं। आप कार्यक्रम करिए, इसमें यथापूर्वक सहयोग देना हमारा सौभाग्य होगा, जहां तक होगा हम लोग आपके सत्येंद्र जी साथ हैं। सत्येंद्र भाई आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, आपके साथ एक फोर्स है, जाति समाज धर्म से ऊपर उठकर लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके कॉन्सेप्ट के बारे में जब हमने चर्चा की, लोगों को बताया तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि नहीं इतना अच्छा बैंकिंग के लिए NDA के लिए तमाम तैयारियां हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले फ्यूचर में हमारी शुभकामनाएं हैं, मैं आपके साथ हूँ जहां तक होगा, मेरा प्रयास जारी रहेगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा मेरी शुभकामनाएं यही होगी कि तारा इंस्टीट्यूट तारे की ऊंचाई से भी आगे बढ़े, जहां तक आज कोई किसी ने पहुंचा तो दूर है, किसी ने कल्पना तक नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद है उसी दिन का। बहुत बहुत श्री आनंद जी, सच इज द लेगेसी ऑफ श्री आनंद जी, द एंकर ऑफ ऑल हिज ड्रीम्स इज द कलेक्टिव विजडम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड एज अ होल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आई रिक्वेस्ट आशीष जी टू काइंडली ब्रीफ मोर अबाउट द इनिशिएटिव्स ऑफ द तारा इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं देंगे। छठ पर्व जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुत्ता का और सूर्य का पर्व है। जैसे सूर्य हम सबको एक समान रोशनी देता है, ठीक उसी तरीके से तारा इंस्टीट्यूट हर एक बच्चे को एक समान शिक्षा देने का काम कर रहा है। और जो विजन है तारा इंस्टीट्यूट का, जो विजन है सत्येंद्र कुमार जी का, वो विजन सिर्फ यही विजन है कि आज के दिन जितने भी स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं वो किसी भी लक्ष्य में पीछे ना रहें, भले वो सरकारी नौकरी हो, भले वो प्राइवेट प्रोफेशनल कोर्सेज हो, भले वो लॉ की तैयारी हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है, तो तारा इंस्टीट्यूट तारे की तरह उसके साथ है। और जैसे तारे अनगिनत होते हैं उसी तरीके से तारा इंस्टीट्यूट अनगिनत बच्चों को पढ़ाई देने का काम कर रहा है, अनगिनत बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। अगर हम बात करें तारा इंस्टीट्यूट की मुहिम की तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। और जब हम बहुत बड़ी मुहिम की बात करते हैं तो अकेले कोई पूरा नहीं कर सकता। आज के दिन हम सब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, हम उनकी दांडी मार्च की यात्रा याद करते हैं। दांडी मार्च की यात्रा में महात्मा गांधी जी चले तो अकेले थे, लेकिन पीछे पीछे लोग जुड़ते चले गए और वो आज हमारे लिए यादगार बन गया। इसी तरीके से आज सत्येंद्र भाई ने शुरुआत तो की है N36 कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की, लेकिन जैसे हमने अभी आनंद कुमार जी को सुना, बहुत ही प्रेरणादायक शब्द थे उनके, उनका इस कार्यक्रम में होना ही अपने आप में पूरी की पूरी कारवाई की बात है। लेकिन साथ साथ में जो विजन है, जो सोच है, सबसे बड़ी सोच होती है। मैं पर्सनली कई बार मिला हूं सत्येंद्र जी से, और जो उनका विजन है, ये विजन जेन्युइनली आज के टाइम में बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर आप लोग इस मुहिम में साथ हैं तो 100% तारा इंस्टीट्यूट का नाम आने वाले समय में आप हर जगह देखेंगे, इंडिया के चप्पे चप्पे पर देखेंगे। और लाखों करोड़ों बच्चों को हम लोग इस लायक बनाएं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो अपना देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का,
तो आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब हर एक बच्चा इंडिया का आत्मनिर्भर बने, वो अपने आप में किसी लायक बने। और एजुकेशन पहली सीढ़ी होती है किसी भी देश को बड़ा बनाने के लिए। जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है एजुकेशन। आप अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड देश हैं वहां पर आपको सबसे कम चोरी चकारी मिलेगी, सबसे कम आपको मतलब नेगेटिविटी वहां पर सबसे कम होगी। लेकिन इंडिया में आज भी हम आजादी के 70-72 साल बाद भी आज हम एजुकेशन रेशियो हमारी बहुत कम है। और आज हमें जरूरत है तारा इंस्टीट्यूट जैसे कोचिंग सेंटर्स की, तारा एजुकेशन जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, जो कि एजुकेशन सेंटर्स में एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने का काम करे। तो मैं सिर्फ शुभकामनाएं देना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं और आप जितने भी लोगों को जानते हैं, अगर हम एक आदमी भी अगर 10 आदमी को आगे बताता है कि तारा इंस्टीट्यूट के विजन के बारे में, तारा इंस्टीट्यूट के काम के बारे में, तारा इंस्टीट्यूट के सपने के बारे में, तो जेन्युइनली हम लोग बहुत जल्दी जो हमारा काम 10 साल में होने वाला होगा वो हमारा काम 5 साल में हो जाएगा। सिर्फ हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो लोग हमारे विजन को समझें और उस विजन को आगे तक बढ़ाएं। हर ब्लॉक पर हम लोग फ्रेंचाइजी ओपन करने का काम कर रहे हैं। हर ब्लॉक के ऊपर हम लोग स्टेट लेवल पर हम लोग लोगों को जोड़ रहे हैं, हम लोग मास्टर लेवल पर लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जिस इकोसिस्टम में आपको कोऑपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की कोई भी कमी ना रहे। आज हम लोग बहुत ही शुभ दिन पर हैं, आज तारा इंस्टीट्यूट की ग्रैंड लॉन्चिंग है। तो आज हमें ये जानना चाहिए कि तारा इंस्टीट्यूट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तारा इंस्टीट्यूट ने अपने आप को फैलाने के लिए, अपने आप को, अपनी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम तैयार किया है, जहां पर ये 3 लेवल पर लोगों को फ्रेंचाइजीज दे रहा है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर कोई स्टेट लेवल पर जुड़ना चाहता है, जैसे कि तारा इंस्टीट्यूट ने नेशनल लेवल पर सोचा है, इसी तरीके से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी स्टेट लेवल पर बहुत अच्छी पकड़ होगी, जिनकी एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छी बातचीत होगी, तो वो सब लोग स्टेट लेवल पर जुड़ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर लोगों को जोड़ सकते हैं और यहाँ पर सहभागी बन सकते हैं ग्रोथ का। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो जुड़ना चाहता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जुड़ सकता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनका जो सपना है ब्लॉक लेवल पर गांव-गांव में घर घर तक बच्चों को एडुकेट करने का, तो ये सपना मैं आशीष अग्रवाल आप सभी को कहता हूँ, ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। हम सब फिर मिलेंगे और उस दिन सेलिब्रेशन का दिन होगा। आज हमारा इनॉग्रेशन का दिन है और सेलिब्रेशन दिन का दिन जरूर बहुत शानदार होने वाला है और ये मैं पूरा होता हुआ देख पा रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। सिर्फ शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर पल हम लोग साथ में हैं, ऐसे भी जितना भी हो पाएगा हम लोग साथ मिलके करेंगे, क्योंकि 1 और 1 11 होता है और जब एक एक आगे जुड़ते चले जाएंगे तो गिनती तो अनगिनत है। तो धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच। वी हैव आवर एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ ऑनर विद अस श्री उबैदुर रहमान जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री रहमान जी को, एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ ऑनर, for his words of wisdom. बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तमाम लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और आज के मुख्य अतिथि श्री आनंद कुमार जी, सतेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर इखलाक आलम साहब, ब्रजेश जी, प्रणव जी, आहूजा जी, गुप्ता जी एंड सुमिता मैडम, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सतेंद्र जी को खास करके जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हमें बुलाया। ये तारा इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने स्टडी किया, बेहतरीन इंस्टीट्यूट, और आज की जो समय का जो डिमांड है उसको पूरा करने वाला एक प्रोग्राम है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 2007 में तारा इंस्टीट्यूट उस वक्त से चल रहा है, जो डिफरेंट कोचिंग डिफरेंट डोमेन्स में दे रहे हैं, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स वगैरह, एसएससी, और इसमें जो एक इनोवेटिव आइडिया है इनका कि ऑनलाइन आप तमाम लोगों को, ज्यादातर इसमें बुद्धिजीवी लोग हैं, आनंद जी अभी इससे पहले बात करके गए हैं और उनके बाद बात करना
सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है और जितनी अच्छी बातें उन्होंने बताई। लेकिन ऑनलाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, एक बहुत हकीकत हो गया है। ये आने वाले दिनों में ऑफलाइन के बराबर ही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे और ये और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि ये सिर्फ कोचिंग क्लासेस ही नहीं करते हैं बल्कि साथ में टेस्ट सीरीज एंड ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी इनके ऑर्गेनाइजेशन में तारा इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी एनडीए ये सारे जो कोर्सेज हैं इसमें काफी अपॉर्चुनिटी है। और बिहार के जो लड़के हैं, ये चूंकि बिहार में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ की है वो है एजुकेशन। यहाँ के लड़के ही बाहर जाके दिल्ली में या दूसरी जगह पे बेंगलोर में बॉम्बे में पढ़ने के लिए भी जाते हैं और नौकरी भी करते हैं। तारा इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो कोर्सेस करने के लिए उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था वो अब बिहार में भी वो कर पाएंगे, बल्कि बिहार के छोटे छोटे इलाकों में भी, शहर में, कस्बों में इंस्टीट्यूट का जो जाल बिछा रहे हैं उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बड़े शहरों में जाने से कोचिंग के साथ साथ जो लाइवलीहुड का प्रॉब्लम होता है नए जगह पे जाने का, वो सारी चीजों को सॉल्व कर देंगे। और एक अच्छा प्रोफेसर, बड़ा प्रोफेसर, ऐसे लोग ऑनलाइन के माध्यम से आपके गांव में आके पढ़ा सकेंगे जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। तो सतेंद्र जी का जो ये सोच है ये बहुत ही अच्छी सोच है और मैं समझता हूं कि ऐसे प्रोग्राम और कार्यक्रम को और ज्यादा करना चाहिए। ब्रजेश जी से भी बातें हो रही थी, प्रणव जी से बात हो रही थी, लोगों ने बताया कि ये लड़कों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि अच्छे टैलेंटेड लड़के निकले। और इससे मुझे उम्मीद है कि जैसे हम लोग पहले यूपीएससी में, कभी आज भी यूपीएससी में हमारा रिजल्ट बिहार का बहुत अच्छा होता है, आईटी आनंद जी पढ़ाते हैं, 30 में 30 लड़के देते हैं और पूरे विश्व में नाम कर रहे हैं, उसी तरीके से सतेंद्र जी भी एसएससी और दूसरे कोर्स के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे भारत में बिहार का नाम करेंगे। तारा इंस्टीट्यूट तारा की तरह फैलेगा और हजारों लाखों लड़कों को इससे फायदा होगा जो एसएससी में, चूंकि बिहार के लड़के अगर उनको मौका मिलेगा तो वो एसएससी जैसे और एनडीए में जा करके अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं समझता हूं कि आज और भी लोगों को बोलना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। वी हैव विद अस डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, वाइस चांसलर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, on the auspicious occasion of the digital inaugural launch of the Tara Institute. I kindly request our Vice Chancellor, Dr. Ahuja ji, for his words of wisdom. Thank you so much. Mr. Satendra Kumar ji, first of all, I need to congratulate you on the full project which you are undertaking, that is the inauguration of Tara Institute, and probably such institutes are required and they are need of the day, as COVID-19 times are the tough times for everyone. And believe me, people have undergone so much of stress with so many of things. And as a university, I know there's a lot of challenge before the teachers and as well as before the students and parents all across, not only in India, but across the world. When COVID came, we tried our level best to give some online delivery of the content. We couldn't really educate the students through whatever we had available with us, whatever limited resources we had with us. With the coming up of such institutes who are excelling and who are in fact devoted dedicatedly to online teaching, I personally feel that online teaching is going to be the order in times to come. And as an institute which is delivering online classes, online coaching to the students in the remote areas,
probably the best thing I know can be done these days. We had lot many people as guest of honors. I pay my honors to Professor Dr. Siddharth Gupta, Dr. Sunita Singh Sen Gupta, Mr. Abdul Rahman, Mr. Intikhab Alam, and I do not know, I joined late. I do not know whether Mr. Anand Kumar joined or not, but if he joined, my honors, my respects to all the persons, all the learned persons on this digital platform. I know education, as we had the concept now these days, is all about result, is all about securing or all about going through the examinations. But believe me, that is not education which we are doing. Education, as Swami Vivekananda said, education is to bring out the hidden potential inside us. He said, each one of us has certain powers which are hidden powers within us. And the purpose of education is to take out that potential, is to take out that whatever is hidden inside us. And Sri Aurobindo rightly pointed out that there is divinity in every child, and the purpose of education is to take out that divinity. I personally believe that the institutes who are doing this are doing tremendous service to the society. As universities, we have done nothing. Probably we only have tested one part of the student, that is the IQ, and out of the IQ, we have only done the memory test. And probably what is the need of the hour, what is the need of the day, is the holistic development of the child. That include all the parameters, whether they are physical, mental, social, and spiritual, or even economic. So I think a balance has to be maintained. And I am confident that Tara Institute will help students grow in a holistic fashion with a balance struck between all the spokes of the life balance system. And that will not only, because in these COVID times, we started a helpline, which was called Sukoon from the university side, in which we put together about 16 psychiatrists and psychologists, which were helping people bearing the stress. And believe me, in 1 month, we got more than 1 lakh calls when the lockdown period was there. So we have educated students, we have educated people, but in one particular fashion, we have not taught them how to fight in the crisis times. And probably if Tara Institute is moving in that direction, where it is not only helping students in preparing for their examinations, preparing for their competitive examinations, preparing for all the entrance examinations, I also feel that Satenderji and his team will go a long way in helping students develop holistically, and that is the need of the time. With these words, once again, I congratulate Mr. Satender and his team for taking a good initiative in the form of Tara Institute. And I whatever help I can do as a university, I will always be there to do it, and I will proudly and happily do it. Thank you so much for having me on this platform. Thank you so much, sir. Thank you so much, esteemed Vice Chancellor, Professor Dr. Ahuja Ji, for words of wisdom, and share your blessings on the digital inaugural launch of Tara Institute. Last but not the least, we have with us a true leader who has worked hard enough, and today is the day. So it is an immense pleasure, honor to invite Satendra Kumarji, Director of Tara Institute, finally for his words of wisdom. Yeah, good morning, everybody. Actually, hum shukrgujar hain sabhi guest ke, khas karke jo hamare guest hain, un sabhi ko mere taraf se namaskar. Main umeed karta hoon ki jo aap logon ne mujh pe trust kiya hai, main unhe pura karne ki koshish karunga aur usse behtar karne ki puri koshish karunga. To bahut bahut dhanyawad hum aap sabko karna chahenge. और तारा इंस्टीट्यूट को कोशिश करेंगे कि हम उस ऊंचाई पर ले जाएं जिस ऊंचाई पर आप देखना चाहते हैं. थैंक यू सत्येंद्र जी फॉर योर एप्रिसिएशन एंड जेस्चर टुवर्ड्स ऑल द चीफ गेस्ट एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर टुडेज इवेंट. थैंक यू वन एंड ऑल फॉर द डिजिटल इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ तारा इंस्टीट्यूट, एंड इट्स रियली एन ऑनर एंड प्लेजर टू हैव विद अस ऑल द चीफ गेस्ट एंड द गेस्ट ऑफ ऑनर एंड द एस्टीम्ड गेस्ट्स
who have joined today on this digital inauguration ceremony. मेरी तरफ से सभी को दोबारा नमस्कार, धन्यवाद और जय। थैंक यू।